महाराष्ट्र के गोंदिया में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की भिड़ंत हो गई है, जिसमें 50 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में 3 बोगियां पटरी से उतरने की बात कही जा रही है और बताया जा रहा है कि हादसा रात के 2:30 बजे हुआ था। हादसे के पीछे सिग्नल न मिलने पाने का कारण बताया जा रहा है। हादसे की वजह से अब तक किसी की मौत की जानकारी सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि इनमें से एक ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से राजस्थान के जोधपुर जा रही थी। एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कई बोगियों में बैठे हुए लोगों को 70-80 लोगों को जो है किसी का सिर में चोट लगा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का कुछ हुआ है। इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है और इसके लिए जो है कोई अच्छी व्यवस्था नहीं रही है रेलवे की ओर से। और सुबह 5 बजे के आसपास जो है गोंदिया लाया गया, गोंदिया से गोंदिया के पहले 7 किलोमीटर पहले जो यह घटना घटी है, जबकि हम लोगों को ये बताया गया कि गोंदिया जंक्शन में जाने के बाद वहाँ पे 3 घंटा गाड़ी रुकेगी और यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, मेडिकल की भी नहीं है, गाड़ी में पानी भी नहीं है। उनका व्यवहार जो है आ रहा है इस टाइप का बातें बोल करके 3 घंटा निकाल दिए, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। तो आप कुछ बोलेंगे? देखो महादेव को ले सकते हैं, जो शायद आपके टीटी हैं, क्या है वो व्हाइट शर्ट में काले पेंट में, बताया ना आपको उनका चेहरा, वो क्या बोल रहे थे? मैंने बताया कि ये जो टीम बनी है इधर देखो, या जो एक्सीडेंट हुआ इसकी एक टीम बनी होगी, इसका कोई एक लीडर होगा जो मॉनिटरिंग कर रहा होगा, तो बोलता है कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बोले आप इसका, ऐसा बोलते हैं वो। जब वो बोला वीडियो बनाता हूँ तो खिसक ली वहाँ से, वो अभी देखिए दूर में खड़े हैं। तो अगर रेलवे के एम्प्लॉई अगर इस तरीके की बात करेगा तो हम क्या उम्मीद करें किसी और से। और यही निवेदन करूंगा महोदय से कि आइंदा जो भी हो इस प्रकार कुछ होता है पब्लिक की कहना चाहिए उसको भावनाओं को समझ कर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए सब बातों पर। और रेलवे इतना गैर जिम्मेदार संस्था नहीं है, इसको एक अपनी जिम्मेदारी इसको लेना पड़ेगा। अभी कोरोना टाइम में जैसे लिया उसके बाद भी आपने कोई व्यवस्था नहीं की अभी तक, पब्लिक परेशान है तो थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को आप। बस यही मेरा निवेदन है और रेल मंत्री जी से भी निवेदन है कि प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो रायपुर से चले थे, खाना खा के सो गए क्योंकि ट्रेन वैसे भी 1.5-2 घंटे लेट थी। हाँ ठीक है, सोने के बाद जहाँ जिस स्पॉट पे ये घटना हुई उस पर सोते हुए बस अचानक से एक बड़ी तेज़ आवाज़ आई, ट्रेन थोड़ी हिली और बड़ी तेज़ आवाज़ आई। अच्छा, और वो आवाज़ के साथ हम नीचे गिर गए सब लोग। बर्फ से करीब कितने लोग गिरे? मुझे तो अपना याद है। अच्छा, और सामने जो थी एक लेडी थी उनके सिर से खून बह रहा था। बहुत लोग आए ना वो तो। हाँ तो अच्छा ये बताओ ये डब्बा किधर था, ये पीछे था कि आगे था? और मेरा कोच था अपना एसी एक्स्ट्रा कोच। अच्छा बीच में थे? हाँ बीच में डब्बा था क्या? आगे था? सामने के डब्बे करीब एक डब्बा वहीं पे है क्या? अभी करीब 1:45 बजे के आसपास की बात है। और वहाँ एक डब्बा भी वहीं है क्या अभी? अब अभी स्टेटस क्या है मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, इसमें काफ़ी यात्री बहुत गंभीर अवस्था में हताहत हुए। अच्छा, लेकिन उनके इलाज की कोई व्यवस्था? करीब करीब कितने थे? 40 से 45 लोग घायल हुए हैं, जिनके हेड इंजरी ज़्यादा हुई है जिनको। अच्छा, कुछ लोगों के हाथ टूटे हैं, उनका एक्सरे तक नहीं हुआ है किसी प्रकार से। एक ग्रुप के हमारे साथी हैं उनका भी हाथ टूटा है पर उनका एक्सरे नहीं हुआ है, अभी हम उनको ग्रुप वापस भेज रहे हैं ट्रेन में बैठा के। और इस प्रकार से ना तो उनके खाने की व्यवस्था की गई यहाँ पे, ना उनके पानी की व्यवस्था की गई, ट्रेन में भी पानी नहीं था। हमने जब आके बोला तब पानी भरा गया और अधिकारी लोग बराबर जवाब नहीं दे रहे। ऐसा सुनने में आया है कि आनंद फानन में कुछ लोगों को KTS हॉस्पिटल ले जाया गया है, अभी जाकर हम वहाँ पता करते हैं क्या स्थिति है और यहाँ पे और जानकारी देंगे। और बाकी के मरीज कहाँ हैं? बाकी के मरीजों को ट्रेन में बैठा के भेज दिया गया है कि आपका इलाज नागपुर में करेंगे हम, आप नागपुर चलो। ट्रेन यहाँ सुबह 5 बजे गोंदिया स्टेशन में आ गई थी, हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ स्टेशन में हैं और यात्रियों का हाल चाल ले रहे थे, लेकिन रेल प्रशासन का कोई अधिकारी फोन नहीं उठाया, ना कोई किसी ने बात किया हमसे। प्राइमरी स्टेज पर जो ट्रीटमेंट किया जाता है उस ट्रीटमेंट के अलावा जो यात्रियों को मिलना चाहिए ट्रीटमेंट ऐसे आपदा के समय, वो आपदा के समय गोंदिया जैसे जंक्शन में अगर वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ, यात्री लोग कहाँ की अपेक्षा कर सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट उनको और कहीं मिले करके। जब
रात के 1:30 बजे ये हादसा हुआ, उसके बाद उन सब यात्री जो जिनको लगा था जिनको आमगांव ले गया गया, आमगांव में उनका कुछ ट्रीटमेंट किया गया और एक पेन किलर दिया गया। उसके बाद 5:15 बजे गाड़ी आई है, 5:15 बजे से लेके अभी 8:30-9 बज रहे हैं, गाड़ी अभी छूटी है। बस उनको यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई, सिर्फ एक टिटनेस का इंजेक्शन दिया गया, पेन किलर दिया गया है और थोड़ी बहुत पट्टी सर वगैरह में जिनको लगा था वो बांधी गई है। लेकिन जंक्शन में अगर व्यवस्था नहीं है तो आपदा, अगर ऐसी कोई बड़ी आपदा भविष्य में कभी घटती है तो जंक्शन में व्यवस्था नहीं है तो कहाँ व्यवस्था होगी, ये बताइए। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।